बुजुर्गों का सम्मान होना चाहिए। जननी और जनक जो कभी हृदय के स्थान में थे, आज हमारे घरों में डोरमैट बन करके रह रहे हैं। ध्यान रखिए, सम्मान करिए उनका। किस भगवान की बात करते हो? अरे मंदिर का भगवान तो मांगने के बाद देता है नहीं देता इसकी भी गारंटी नहीं है, लेकिन मंदिर का भगवान तो मांगने के बाद देता है। लेकिन माँ बाप तो घर के वो भगवान है जो बिना मांगे अपने बच्चों को सब कुछ दे दिया करते हैं। मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ बच्चा ख्वाब नहीं देखता है, वहां माँ बाप पूरा करने लगते हैं। अपने अरमानों का गला घोंट करके औलाद के अरमानों को पूरा करते हैं। अपनी आवश्यकताओं में कटौती करके अपने बच्चों के सपनों को साकार करते हैं। इतना बड़ा बलिदान दुनिया में यदि कोई करता है तो सच मान लो कि माँ बाप से बड़ा बलिदान दुनिया में कोई और है। माँ बाप बहुत महान हुआ करते हैं, ध्यान रखिए। इसलिए तीर्थंकरों को भी सबसे पहले धरती में आने से पहले अरे भगवान बाद में बनते हैं, किसी की संतान सबसे पहले बना करते हैं। ध्यान रखिए, विचार करना। बैठ जाइए, डिस्टर्ब मत करिए, बैठ जाइए। जो जहां बैठा बैठा रहने दीजिए। सुनने से मतलब है जगह को इसीलिए हो चलेगा। ज्यादा डेकोरम की जरूरत नहीं है। कोई उधर बैठा सुन रहा तो उसको सुनने दो, क्या दिक्कत है। जब ऊपर वाला नहीं देखता कि तुम कहां बैठे फिर भी तुम्हारी प्रार्थना सुनता है। जीता जागता देवता यदि देखना है तो अपने घरों में देखिए, जीते जागते भगवान मिला। लोग कहते हैं कि कुंडली दिखाइए, ज्योतिष दिखाइए, वास्तु दिखाइए, हम सुखी हो जाएंगे। लोग मेरे पास आते हैं, महाराज मेरा हाथ देखो। मैंने कहा मैं लोगों के हाथ मात नहीं देखता। तो बोले आप क्या देखते हो? मैंने कहा मैं लोगों के हाथ नहीं, लोगों का चरित्र देखता हूँ, लोगों का व्यवहार देखा करता हूँ। अरे लकीरों से जिंदगी नहीं बना करती है, हमारे व्यवहार से जिंदगी। क्या हाथ दिखाना? अरे रेखाएं बदले या ना बदले, अपना व्यवहार बदलो, जिंदगी को बदलने में ज्यादा देर नहीं। किन रेखाओं के पीछे पड़े रहते हो, किन लकीरों के पीछे पड़े रहते हो? आज मैं आपसे कह रहा हूं, आपके हाथ में कितनी भी अशुभ रेखाएं क्यों ना हो, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको आश्वासन नहीं दे रहा हूं, विश्वास दिला रहा हूं। ध्यान रखना, कितनी भी आड़ी टेढ़ी रेखाएं हो, तुम्हारी कुंडली में कितने भी अशुभ ग्रह हो, कितने भी शनि की साढ़े साथी क्यों ना लगी हो, ध्यान रखना, वास्तु कितना भी गड़बड़ क्यों ना हो, और मुहूर्त कितना भी अशुभ क्यों ना हो, अरे जब भी कोई काम करने को जाए माँ बाप के चरण छू कर जाए, दुनिया की कोई बुरी बला तेरा स्पर्श नहीं कर सकती है। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो तेरे लिए अशुभ हो जाए। अरे मंदिर का चंदन लगाने से पहले माँ बाप के चरणों की धूल भी अपने माथे पर लगा लेना। चाहे ध्यान रखना, दुनिया में ये मत सोचो कि मैं पुलक सागर तुमको आशीर्वाद दूंगा तो कल्याण होगा। अरे माँ बाप का आशीर्वाद ले लिया तो किसी संत के आशीर्वाद से कम नहीं हुआ करता है, उससे भी ज्यादा पवित्र हुआ करता है। माँ बाप की दुआएं लीजिए, माँ बाप का आशीर्वाद ले लीजिए। आज माँ बाप है तो उनकी कीमत नहीं पता तुम्हें, कल जब ये माँ बाप ना रहेंगे ना तो जार जार आंसू बहाओगे उनकी याद करके। याद रखिए, आज जीते जीते उनकी कीमत रखिए। हमने सम्मेद शिखर बनाया, हमने गिरनार बनाया, हमने वैष्णो देवी बनाई। ध्यान रखना, इन तीर्थों का निर्माण हमने किया है, लेकिन माँ बाप का निर्माण हम नहीं करते, हम तीर्थ बनाते हैं। ध्यान रखना, इंसान ने बनाए हैं सारे तीर्थ और किसी भगवान ने नहीं बनाए हैं। चाहे अयोध्या हो, सम्मेद शिखर हो, ये मथुरा जैसे तीर्थ हमने बनाए हैं, लेकिन माँ बाप तो वो तीर्थ होते हैं जिसे कुदरत बनाया करती है, जिसे प्रकृति बना करके दिया करती है। कुदरत के बनाए तीर्थों का अपमान मत करिए, ये कुदरत ने बनाए, ये प्रकृति से मिला है। ध्यान रखना, माँ बाप बहुत महान है।